तो आप सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस लेट नाइट लाइव सेशन में आपका स्वागत अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और इस नए न्यूज़ को जानने के लिए उत्सुक होंगे। वैसे सभी साथियों के पास ये न्यूज़ आ गया होगा। आप सभी को जो है ये सूचित करते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज RBI ने PCA से जुड़े एक अंतिम जो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसको जो है PCA से बाहर कर दिया। वाह, तालियां बनती है, हैं शेखर जी, ताली बजा दीजिए, आप एक ही बार ताली बजा दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि PCA क्या होता है और PCA से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कैसे बाहर आए। तो सबसे पहले बहुत सारे साथी जो हैं सेंट्रल बैंक से जुड़े हैं और भी दूसरे बैंक से जुड़े हैं, तो आज रिजर्व बैंक से एक बहुत बड़ी राहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कि PCA फ्रेमवर्क से इसको बाहर निकाला गया। और आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर साल 2017 में जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत इसको PCA के दायरे में रखने के लिए एक्शन लिया गया था और आज उसे PCA से बाहर निकालने का फैसला रिजर्व बैंक ने सुना दिया। तो अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसके तहत 2017 में PCA से लगभग 17, 18, 19, 20, 21 एक लंबा इंतजार करना पड़ा। तो आखिर कैसे परफॉर्मेंस रहे जिसकी वजह से ये PCA से बाहर निकाला गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक मिनिमम जो रेगुलेटरी कैपिटल है, नेट NPA और लिवरेज रेशियो, ये तीन दायरा होते हैं जिस पर जो है PCA का फ्रेमवर्क जो है रखा जाता है। और PCA के फ्रेमवर्क रखने पर किस तरीके से गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है, और आप सभी को बता दें कि PCA के जो दायरे में है ये जो है सेंट्रल बैंक आखिरी बचा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा भी होगा नवंबर 2021 में एक फेरबदल किया गया PCA के फ्रेमवर्क में, और जो ये फ्रेमवर्क में बदलाव किया गया उसी के तहत सेंट्रल बैंक ने परफॉर्म करते हुए अभी जो मार्च 2022 में जो 31 मार्च 2022 की जो क्लोजिंग हुई तो उसमें उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उनके बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन होते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 31 मार्च 2022 मतलब वर्ष वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 के जो प्रदर्शन है उसको रिव्यू किया, और रिव्यू के दौरान ये पाया कि जो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रदर्शन किए हैं वो प्रदर्शन में जो भी मिनिमम रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट है, लिवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट है और एसेट क्वालिटी, ये तीन क्वालिटियों में सेंट्रल बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ने अपने स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक विकास जो डेवलपमेंट है उसके लिए भरोसा दिया, जिसके कमिटमेंट के आधार पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बदलाव किया है और ये PCA फ्रेमवर्क से बाहर निकाला है। तो ये बहुत बड़ी जो है आप अगर देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए बड़ी न्यूज़ है। आप और भी जाने होंगे, हमारे नितिन जी हैं और शेखर जी हैं और भी साथी जुड़े हुए हैं, तो आप कुणाल पांडे जी भी हैं, कृष्णा चौहान जुड़े हुए हैं। हैं कृष्णा, अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि पिछले साल जो बाहर निकले थे यूको बैंक, IDBI, IOB बैंक को भी PCA से बाहर निकाला गया था, और रिजर्व बैंक ने जो ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, IDBI बैंक, इनको जो है PCA से पिछले साल बाहर निकाला था। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेट प्रॉफिट में 14% का उछाल दर्ज किया था वित्तीय वर्ष में, और इनका जो 235 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट रहा। तो ये किस किस परिस्थितियों में कैसे कैसे पैरामीटर होते हैं इन पर जो है PCA फ्रेमवर्क लगाया जाता है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। नितिन कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं, कुणाल पांडे जी नमस्कार कर रहे हैं, बहुत जो है साथी जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। वाह, ये है ना, क्या बात है। ये देखिए, ये तो सभी को सर्कुलर आ गया होगा, ये जो है सबको जो है पहुँच गया होगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ है आज ही का, 20 सितंबर 2022।
तो रिजर्व बैंक के जो चीफ जनरल मैनेजर के ये साइन से, ये जो डिजिटल साइन और ये सर्कुलर के माध्यम से निकाला गया है कि आरबीआई ने एक फैसला किया है, द परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेंटली अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई वाज रिव्यूड बाय द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। इट वाज नोटेड दैट एज पर द असेस्ड फिगर ऑफ द बैंक फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2022, द बैंक इज नॉट इन द ब्रिच ऑफ पीसीए पैरामीटर। ब्रांच जो ब्रिच नहीं किया है, मतलब बैंक ने एक ऐसा परफॉर्मेंस किया है 31 मार्च 2022 को कि उसके जो फिगर्स हैं, बिजनेस फिगर को रिव्यू किया गया बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन आरबीआई का, और पीसीए के जो पैरामीटर होते हैं, मिनिमम रेगुलेटरी पैरामीटर होते हैं, उनमें कोई भी पैरामीटर को तोड़ा नहीं है। द बैंक हैज़ प्रोवाइडेड ए रिटन कमिटमेंट दैट इट वुड कंप्लाई विद द नॉर्म्स ऑफ मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल। बैंक ने कमिटमेंट किया है कि बैंक जो है वो कंप्लाई करेगा कि मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रखेगा, नेट एनपीए मेंटेन करेगा, लिवरेज रेशियो ऑन द ऑनगोइंग बेसिस, एंड हैज अप्राइज द आरबीआई ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट दैट इट हैज पुट इन द प्लेस विच वुड हेल्प द बैंक इन कंटिन्यूइंग द मीट दीज कमिटमेंट। जो कमिटमेंट किया है उस तरह से वो डेवलपमेंट करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा कि जो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल है, नेट एनपीए है और लिवरेज रेशियो, इसको पूरा करेगा। सो टेकिंग ऑल द अबव इनटू कंसीडरेशन, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज टेकन आउट ऑफ पीसीए रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। वाह, पीसीए से बाहर कर दिए। अगर पीसीए में रहने से क्या होता था, यहाँ पर एसएसएम बैठा रहता था, सीनियर सुपरविजन मैनेजमेंट। क्या नितिन जी, अगर पीसीए में रहने से क्या होता है, एसएसएम आरबीआई का एक बैठा रहता था, हर एक्टिविटी में आपको जो है उनको वेरीफाई करना होता है एसएसएम। अब यहाँ पर उनको पीसीए से बाहर लाने के बाद इनको रिटर्न कमिटमेंट दिया गया और बैंक के पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, उसको हटाया गया है। तो आइए आप जानते हैं कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक ऐसा स्टेप है जो बेसल के जो दिशा निर्देश है, बेसल के दिशा निर्देश में क्या है, बेसल एक जो इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, जिसके तहत बैंकों को निगरानी करने के लिए एक सुपरवाइजरी रिव्यू में लाया जाता है सभी बैंकों को, और वो सुपरवाइजरी रिव्यू का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है सरकार, वो जो है सुपरवाइजरी रिव्यू करता है। तो सुपरवाइजरी रिव्यू करते समय कुछ मिनिमम जो पैरामीटर है उनको अचीव करना होता है बैंक को, नहीं तो फिर ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इनका वो एक्शन लागू होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनेबल सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड रिक्वायर द सुपरवाइजरी एंटिटी टू इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट रिमेडियल मेजर्स। जो बैंक है, भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है, अगर रिजर्व बैंक को सुपरवाइजरी इंटरवेंशन के तहत अगर बैंक की गतिविधियों में कुछ कमजोरी पाई जाती है, जो स्टैंडर्ड निर्धारित मापदंड है उनमें कमी पाई जाती है, तो उनको ये आवश्यकता महसूस होती है कि इस बैंक को कुछ रेमेडियल इम्प्लीमेंटेशन मेजरमेंट करने की ज़रूरत है टाइमली, और ताकि उसका फाइनेंशियल हेल्थ रिस्टोर हो सके। मतलब ये समझ लीजिए, इट इज़ ए टूल फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन। जो मार्केट डिसिप्लिन है, मार्केट में जो चल रहा है, जो कमिटमेंट चल रहा है मार्केट में कैपिटल का, नेट एनपीए का, इस स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, मार्केट डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक टूल है जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सो टू इनेबल द सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड रिक्वायर द सुपरवाइजरी एंटिटी टू इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट रेमेडियल मेजर्स एट इन द टाइमली मैनर टू रिस्टोर द बैंक इन ए फाइनेंशियल हेल्थ। बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए एक टूल है जिसको मार्केट डिसिप्लिन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, पीसीए फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं, इसका रिवाइज जो फ्रेमवर्क है ये इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 2022 से। इसमें आप देखे होंगे हमारे लॉगिन सेक्शन में और भी वीडियो होंगे, दो वीडियो होंगे पीसीए के, वो पुराने जो पॉलिसी के आधार पर हैं, और उसमें चार पैरामीटर को ध्यान, पहला जो पीसीए था उसमें कैप होता था, सी ए पी,
सी का मतलब होता है कैपिटल, पी का मतलब होता है प्रॉफिट, ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एसेट क्वालिटीज, कैप कैप होता था। फिर उसमें लिवरेज रेशियो जोड़ा गया। और अभी जो रिवाइज जो अभी पीसीए फ्रेमवर्क शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक लिए इफेक्टिव किया गया है, द जो पुराने पॉलिसीज को रिव्यू किया गया और उसके आधार पर फिर उसको रिवाइज किया गया, और ये रिवीजन जो है इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 2022 से। और जैसे ही ये रिवीजन आया तो हम जो है इस प्रोविजन के से ये पता चल गया कि ये प्रोविजन जो है थोड़ा रिलैक्स किया गया है रिजर्व बैंक द्वारा, ताकि बैंकें जो हैं आसानी से पीसीए से बाहर आ पाएं। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन द प्रोविजन वाज रिव्यूड एंड इट वाज रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क विच हैज बीन इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो ये 1 जनवरी 2022 से ये इफेक्टिव हुआ, ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है अभी जो चल रहा है उसका इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2022। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से की एरियाज हैं जिसको मॉनिटर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीसीए फ्रेमवर्क में लाने के लिए तीन चीज़ों को ये मॉनिटर करता है। सो द थ्री की एरियाज फॉर मॉनिटरिंग एज पर द रिवाइज पीसीए फ्रेमवर्क, पहला होता है कैपिटल, पूंजी कितनी है आपके पास, है ना। व्यापार करने आ रहे हैं, व्यापार में रिस्क है ना शेखर जी, व्यापार में रिस्क है, तो पहला प्राइम जो मेन जो होता है वो होता है कैपिटल। आपके पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। बैसल क्या बोलता है, बैसल बोलता है व्यापार कर रहे हो भैया, रिस्क है यहाँ पर, है ना, धोखा है, इश्क मोहब्बत धोखा, ठीक है, तो यहाँ धोखा है, तो उसके लिए आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, तो उसके लिए पूंजी है कि नहीं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा एसेट क्वालिटी, आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो शेखर जी, क्या चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे समुदाय का पैसा दूसरे समुदाय को दे रहे हो, मतलब जरूरतमंद लोगों को पैसा दे रहे हो जहां पर एक्सेस पैसा है, सरप्लस पैसा को डेफिसिट पैसा पहुंचा रहे हो, तो आपका तौर तरीका क्या है, कैसे लोगों को लोन दे रहे हो, एसेट क्वालिटी क्या है, आपका नीति निर्धारण क्या है, कैसे लोगों को दे पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं एसेट क्वालिटी। और तीसरा है लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो एक ऐसा है कि आपका जो कोर कैपिटल है, कोर कैपिटल है बैंक का, वो आपके टोटल एसेट का कितना कितना परसेंट है। यहाँ भी पूरा पूरा कोर कैपिटल, कोर कैपिटल मतलब मालिकों का पैसा या बिजनेस से कमाया गया पैसा, बिजनेस में लगाया गया उसको बोलते हैं कोर कैपिटल, बाकी तो बाहर से लिया गया है, तो कोर कैपिटल और टोटल एसेट का कितना परसेंट है। इसके जो मिनिमम निर्धारण आरबीआई के द्वारा किए गए हैं, अगर इन तीन पैरामीटर में से किसी भी एक पैरामीटर का नीति निर्धारण ब्रीच कर गया आपका बैंक, और ये जो रिव्यू किया जाता है हर फाइनेंशियल ईयर का जब क्लोजिंग हो जाता है ना संतोष कुमार जी, है ना, देखो संतोष कुमार जी अभी देखो हैं जग गए हैं ना, तो जब आपका वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग हो जाता है, ऑडिटर वगैरह साइन कर लेते हैं, तो रिजर्व बैंक क्या करता है, सारे बैंकों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करता है, और ये तीन पैरामीटर के आधार पर उनकी स्क्रीनिंग कर लेता है कि कैपिटल जो हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल रखा है उसके उसके कितने परसेंटेज है, कितने हिसाब पर है तुलनात्मक, एसेट क्वालिटी का परसेंटेज क्या है मतलब नेट एनपीए की बात, और लिवरेज रेशियो, अगर इन तीनों में किसी में भी ब्रिज पाया तो पीसीए फ्रेमवर्क लगाता है। तो आइए जानते हैं कैसे कैसे पीसीए फ्रेमवर्क लगाता है। ये देखिए इसके तीन हमने बताया अभी आपको कि तीन की एरिया है ना संतोष जी, हाँ माइक ऑन करिए संतोष जी, वाह संतोष जी का माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा है। हाँ यस सर, संतोष बोलो, वो अब हो गया ना सर। हो गया, अरे खुश तो बहुत हो गया आज, बधाई हो आपको, हैं थैंक यू आज, सर। थोड़ा थोड़ा आईटी में कमजोर हूँ सर, मोबाइल वोबाइल चलाने। वो ही बात नहीं है ना, सीख जाओगे ऐसे, इसीलिए तो हम आपको बुलाते हैं। तो आज तो यस सर, पापड़ा वापड़ा कुछ मिठाई उठाई लेके आना, मंगता ना थोड़ा, कम से कम दिखा देते हम बिल्कुल आपको। सर, आप आइए, आपका वेलकम है सर। हाँ हम आएंगे आपके पास जरूर, हमको बहुत अच्छा लगता है गुजरात, जी, एकदम बहुत अच्छा अच्छा लगता है है। जी सर। एक आध सीट मांग लें क्या वहीं गुजरात में लड़ने के लिए, है ना, जैसे दिल्ली यस वाले जा रहे हैं तो आप आते हैं फिर हमें। तो ये तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि जो बैंक है आपका जो है एक शानदार तरीके से पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ गया, इसलिए खुशी लगता है क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद ये पीसीए से बाहर आया, 2017 से 5 साल बाद पीसीए से बाहर आया। जैसे ही मार्च का फिगर डिक्लेयर हुआ तो पीसीए से बाहर आने की सारे संकेत थे,
लेकिन आरबीआई ये आश्वस्त होना चाहता था कि क्या ये जो पैरामीटर सही बैंक ने अचीव किया है, ये आगे कंटिन्यू करेगा क्या, इसलिए उसने आगे क्वार्टर भी देखा, जून क्वार्टर भी देखा। तो जून में आप लोगों ने सही साबित किया, फिर उसके बाद जो है सितंबर में आपसे कमिटमेंट ले लिया कि भाई इसको मेंटेन करना। तो संतोष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीन पैरामीटर को आरबीआई चेक करता है। पहले क्या, पूंजी, आपके पास कैपिटल कितना है। दूसरा, एसेट कैपिटल क्वालिटी। एसेट क्वालिटी मतलब आप जो लोन देते हो उसकी क्वालिटी क्या है भाई, उसमें पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पैसा फंस तो नहीं जा रहा है। अगर पैसा फंस रहा है मतलब आपकी गतिविधियों में गड़बड़ है, आप किसी को भी लोन दे दे रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो आप, है ना, बराबर है ना। आप सोचिए हम कितना ट्रांसपेरेंसी में काम करना होगा, क्योंकि मार्केट डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। अगर आप दुनिया भर के लोगों का पूंजी लेके अगर उसको सही जगह डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं तो कितना बड़ा घोर दुराचार है, बताइए बताइए संतोष जी। हैं, तो आप पैसा ले रहे हैं पब्लिक का डिपॉजिट, और वो पब्लिक डिपॉजिट कर रहा है अपने फ्यूचर को एश्योर करने के लिए, उसी पैसे को हम दूसरों को लोन दे रहे हैं। अगर हम सही आदमी को लोन नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो पैसा फंस जा रहा है, तो क्या लगता है प्रोविजन करना पड़ता है। अब कहीं किसी का पैसा है, लिए है, सही समय पे दे नहीं पाएंगे, मतलब अपना बैंक कमजोर होगा, डुबाने के लिए तो नहीं है। इसीलिए मॉनिटरी इंडिकेटर्स हैं, रिस्क थ्रेशोल्ड है। तो यहाँ पर है कैपिटल, पूंजी कितना है आपके पास, दूसरा है एसेट क्वालिटी जिसको बोलते हैं नेट एनपीए, और तीसरा है लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो को ऐसा समझिए, लिवरेज रेशियो एक ऐसा टूल है जहां पर हम लिवरेज रेशियो को बोलते हैं कि बैंकों का जो कोर कैपिटल है, कोर कैपिटल है उसके जो वितरित लोन दिया गया टोटल एसेट का कितना परसेंट है। बैंक के पास जो टेयर वन कैपिटल है, जिसको टायर वन कैपिटल बोलते हैं, उसको टीयर वन कैपिटल जो है कोर कैपिटल होता है, वो कोर कैपिटल टोटल एसेट का कितना है उसको बोलते हैं लिवरेज। क्या बोलते हैं उसको, लिवरेज। तो अब ये तीन पैरामीटर में आप देखते हैं ये इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर ये कहता है कि सीआरएआर जो है, कैपिटल टू रिस्क रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है, वो कितना होना चाहिए। संतोष कुमार जी, अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2023 पे ले लें, है ना, तो कितना होना चाहिए सीआरएआर। 9% है सर। 9% होना चाहिए, ठीक है, 9% होना चाहिए सीआरएआर। और इसमें एक बात ये भी कही गई है कि टायर वन कैपिटल जो है वो टायर वन कैपिटल कितना होना चाहिए, ये भी दिया गया है। तो 9% होना चाहिए मिनिमम सीआरएआर, और कैपिटल कंजर्वेटिव बफर कितना होना चाहिए, टू नहीं यार, 0.5%, पॉइंट फाइव परसेंट और ये दोनों को मिला दे तो कितना होगा संतोष जी, 11.5, 11.5%। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 11.5 होना चाहिए, ये आपका इंडिकेटर है। रिजर्व बैंक कहता है कि सीआरएआर 9%, कैपिटल टू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 9% प्लस 2.5% कैपिटल कंजर्वेटिव बफर, कंजर्वेशन बफर, मतलब अच्छे समय में आप पैसा बचा के रखो, थोड़ा सा अपना कैपिटल बचा के रखो, तो इसको बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो टोटल मिला के 11.50 होना चाहिए। अगर ये 250 बेसिस पॉइंट कम है, 250 बेसिस पॉइंट कम है, मतलब क्या हुआ कि 2.5% कम है, तो थ्रेशोल्ड 1 में आएगा, और 2.50 से कम है और 0.40 से 4% से भी कम है, तो ये थ्रेशोल्ड 2 में आएगा, और 4% और भी 4% से ज्यादा कम है तो थ्रेशोल्ड 3 में आएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर सीआरआर कितना है, 11.5 है। तो अगर ये 11.5 में 2.5 माइनस करते हैं, अगर 9% के पार है तो थ्रेशोल्ड 1 में आएगा। 9% से कम हो गया तो कहाँ पर आएगा, रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में आएगा सीआरआर। और अगर 9% से और कम हो गया, मतलब ये 7.5% तक आया, तो थ्रेशोल्ड 2 में आएगा, और 7.5% से भी कम आया तो थ्रेशोल्ड 3 में है। क्लियर समझ में आया संतोष जी, बराबर है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, सीआरआर जो है हमारा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 9 प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर 11.5 है। अगर बैंक का सीआरआर अगर 9% से कम हो गया तो थ्रेशोल्ड 1 में आएगा, और अगर उसका जो है 7.5% तक हुआ, 9% से लेके 7.5% तक हुआ, तो ये थ्रेशोल्ड 2 में आएगा, और 7.5% से भी कम हो गया और, तो वे थ्रेशोल्ड 3 में आएगा। ये क्लियर हो गया इंडिकेटर। अब आता है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी बोलते हैं नेट एनपीए, नेट एनपीए बोलते हैं ना। तो नेट एनपीए अगर 6% से बराबर है और 9% से कम है, तो ये थ्रेशोल्ड 1 में आएगा। मैं हमेशा आपको जब बिजनेस फिगर पढ़ाता हूँ, तो
तो एक बात कहता हूँ ना कि नेट एनपी 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बोलता हूँ ना, है समझ में आया क्या हो, क्या बोलता हूँ आप देखे होंगे बिजनेस फिगर में कि नेट एनपी 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 6% के बराबर और 9% से कम है तो थ्रेशोल्ड 1 में आएगा, और नेट एनपी अगर 9% से ज्यादा और 12% से कम है तो ये थ्रेशोल्ड 2 में आएगा, और अगर नेट एनपी 12% से बराबर या उससे ज्यादा है तो खतरा कितना बढ़ गया बताओ, नेट एनपी 12% से ज्यादा हो गया तो खतरा थ्रेशोल्ड 3 में आएगा। ठीक है, अब आता है लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो मैंने बताया कि लीवरेज रेशियो किसी बैंक का एक ऐसा रेशियो है जिसमें बैंक का जो एक्सपोजर है, मतलब बैंक ने जितना भी एक्सपोजर दिया है एसेट के रूप में, उसकी तुलना में उसका जो है कोर कैपिटल कितना है, कोर कैपिटल जिसको बोलते हैं टीयर वन कैपिटल कितना है, इसको बोलते हैं लिवरेज रेशियो। और ये जो लिवरेज रेशियो है ये बोलता है कि 5% से कम नहीं होना चाहिए, कितना बोलता है 5% से कम नहीं होना चाहिए। अब देखो तीनों के इंडिकेटर आपके सामने आ गए, बताओ कैपिटल सीआरएआर कितना से कम नहीं होना चाहिए। संतोष जी सीआरआर सर 9.5-11% से कम नहीं होना चाहिए, 11.5% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 11.5% से कम हुआ तो भैया पीसीए का एक इंडिकेटर छू गया, ठीक यस सर। 11.5 से कम हो गया मतलब 11.5 से कम, 11.5 इसका स्टैंडर्ड है, 11.5 रखना ही चाहिए, लेकिन 11.5 के बाद भी 2.50 कम हो गया जी, तो टीयर वन में, टीयर वन रिस्क वन में आएगा, है ना, मतलब 9% तक जो है रिस्क वन में आएगा, 9 से लेके 7.5 तक ये रिस्क 2 में आएगा, और 7.5 से भी कम हो गया तो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में आएगा। एसेट क्वालिटी नेट एनपीए 6% से कम, 6% से कम नहीं होना चाहिए, यस सर। 6% से कम, 6% से ज्यादा हो गया, 6% से ज्यादा हो गया 9% तक ये तो रिस्क 1 में आएगा, 9% से 12% आया तो रिस्क 2 में आएगा, और 12% से ज्यादा हो गया नेट एनपीए तो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में आएगा। लिवरेज रेशियो में क्या बोलते हैं, लिवरेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जहां पर बैंक का जो कोर कैपिटल है, कोर कैपिटल मतलब मालिकों का पैसा या बिजनेस से कमाया गया पैसा जिसको टीयर वन कैपिटल कहते हैं, वो पैसा टोटल जो एक्सपोजर है जो लोन दिया है उसका जो उसको बोलते हैं मिनिमम 5% होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 50 बेसिस पॉइंट अगर कम हो गया तो टायर वन में आएगा, मतलब 4.5 हुआ तो टायर स्केल रिस्क के थ्रेशोल्ड 1 में आएगा, अगर 4.5 से मतलब ये 4 के बराबर आया तो यहाँ पर 2 में आएगा, और 4 से भी कम हो गया तो फिर यहाँ पर इस पर आएगा, यहाँ पर आएगा थ्रेशोल्ड 3 में आएगा। ठीक है, मतलब ये 5 जो है ये मिनिमम होना चाहिए इसका कैपिटल टू, इसमें इससे कम बेसिस पॉइंट में हो तो चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस में, तीन पैरामीटर को स्क्रीन करता है, बैंक का फिगर आ जाता है 31 मार्च 2022 को, तो तीन पैरामीटर की जांच करता है, तीन पैरामीटर की जांच करने के बाद उसको पीसीए में रखता है। अब पीसीए देखो सेंट्रल बैंक का परफॉर्मेंस आ गया, अब यहाँ पर देखिए कैपिटल कितना है, सीआरएआर कितना है, रिस्क 1 में तो 9% में तो है ही नहीं है, रिस्क 1 में नहीं है तो रिस्क 2-3 में कहां जाएगा, मतलब इसमें पास हो गया, यस सर सीआरआर में पास हो गया, ठीक है ना, सीआरआर एक तो टिक मार दो, सीआरआर में पास हो गया, मतलब इसमें कोई ब्रिज नहीं है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो में ब्रिज नहीं है। अब ये है कॉमन इक्विटी में 13.39 है, यहाँ पर देखो कॉमन इक्विटी में एक केस दिया है जो C8 है, कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल जो है वो भी बोल रहा है कि 1.62% से कम नहीं होना चाहिए, और ये जो कॉमन इक्विटी परसेंटेज होता है ये 7% से इसको मान लीजिए 2% भी कम मान लें, 1.62 को 2% तो 5% यहाँ पर कितना है, देखो ये 13.39% ये ब्रिज भी पार हो गया, yes, sir. है ना, इस ब्रिज में भी नहीं है। अब आता है एसेट क्वालिटी, एसेट नेट एनपी कितना है, 3.97%, और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, 6% के टच होता तो रिस्क 1 में आता है, 6% से तो वो कोसो दूर है, ठीक है ये भी पार हो गया नेट एनपीए। अब आता है लिवरेज, लिवरेज है 4.25, और पहला रिस्क
पहला वाला जो है, पहला वाला क्या है, ये होना चाहिए 4.50 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब फोर सर पॉइंट फाइव जीरो से इससे ऊपर नहीं होना चाहिए मतलब। तो यहाँ पर कितना है आपका, 4.25, मतलब 4.50 से लेवल में, मतलब इससे कम है लेवरेज रेशियो, ठीक है। तो ये जो है ये भी ब्रिज पार कर गया। तो आप सोचिए कैपिटल ये 15.75% और कॉमन इक्विटी भी 13.39% और 3.97%, है ना। तो आपका जो हो गया लीवरेज रेशियो 4.25% लीवरेज रेशियो हो गया। तो ये तीनों क्राइटेरिया पार कर गया, तो इसीलिए एक रिटर्न कमिटमेंट लेके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इन्होंने पीसीए से बाहर कर दिया। अब इसमें देखिए कुछ, अगर पीसीए में होता है तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं। रिस्क थ्रेशोल्ड 1 अगर में है तो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिविडेंड पेमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट जो देते हैं ना, शेयर में डिविडेंड आता है उस पर रोक लगा देता है। प्रोमोटर ओनर्स जो होते हैं, जो इन द केस ऑफ फॉरेन बैंक, उनको कैपिटल लाने के लिए बोला जाता है। रिस्क थ्रेशोल्ड 2 की बात करें, अगर रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में है तो मैंडेटरी एक्शन लिया जाता है, ब्रांच एक्सपेंशन पे रोक लग जाता है, कोई भी डोमेस्टिक ब्रांच नहीं खोल सकते, ओवरसीज ब्रांच नहीं खोल सकते। अगर रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में आया तो ये पहला और दूसरा के अलावा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रोक लग जाता है, ब्रांच रिनोवेशन नहीं होगा, कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं होगा, मतलब जो खर्चा वर्चा सब बंद हो जाता है, ठीक है। और एम्प्लॉई वगैरह जो प्रमोशन, जो नए भर्ती वगैरह है, वो रोक लग जाता है। तो ये जो है मैंडेटरी, कुछ स्पेसिफिकेशन के आधार पर मैंडेटरी एक्शन है। और एक होता है डिस्क्रिशनरी एक्शन। मैंडेटरी मतलब ये तो लेना ही लेना है, और डिस्क्रिशनरी मतलब उन वो आरबीआई चाहे तो ले सकता है, नहीं चाहे तो नहीं ले सकता, बराबर। मैंडेटरी एक्शन ये लेना ही लेना है, और डिस्क्रिशनरी मतलब उसके विवेक पर आधारित होगा। आरबीआई जो जो बोला ना, स्पेशल सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बैठ जाता है आरबीआई, तो वो एक्शन लेता है, कुछ स्ट्रेटजी बनाता है, कुछ गवर्नेंस रिलेटेड एक्शन ले सकता है, कैपिटल रिलेटेड एक्शन ले सकता है, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड एक्शन, मार्केट रिस्क रिलेटेड एक्शन, एचआर रिलेटेड एक्शन, है ना। एकदम दूर दूर ट्रांसफर कर दो संतोष कुमार जी को, कहाँ, केरला कर दो इनको, है ना। तो एचआर रिलेटेड, ठीक है, कुछ एचआर रिलेटेड एक्शन ले सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड एक्शन ले सकते हैं, है ना, कुछ खर्चे कहीं कम करे जाए, प्रॉफिट वगैरह रिलेटेड कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए एक्शन, ऑपरेशन बिजनेस रिलेटेड है, खूब काम कराएं संतोष जी को, दौड़ दौड़ के करो, ये लाओ रिकवरी लाओ, ये लाओ संडे को काम करो, सब सब करो, है ना। तो ऑपरेशन बिजनेस रिलेटेड ये सारे डिस्क्रिशनरी एक्शन है, ये आरबीआई अपने हिसाब से ले सकता है। तो ये कुछ मैंडेटरी एक्शन है और कुछ डिस्क्रिशनरी एक्शन है। और एक्सक्यूज अब मी आप, सर, हाँ एक क्वेश्चन पूछना था हाँ सर। अभी सेंट्रल बैंक में कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था सर? अभी सेंट्रल बैंक में ये वाला सेकंड नंबर वाला, सेकेंड नंबर। थैंक यू सर। सेकंड नंबर वाला लगा था। और लेकिन इसमें ये होता है, ये जो थर्ड थर्ड नंबर में होता है ना, ये थर्ड नंबर में बड़े बड़े लोन करने के लिए भी इसमें रोक लग जाती है, नैरो बैंकिंग की जाती है। ये सेकंड नंबर का थ्रेशोल्ड लगा हुआ था, इसमें जो भी कार्रवाई करते थे ना, उसको मंथली सुपरविजन करता था। आपके पीछे आके कोई खड़ा हो जाएगा ऐसे पीछे आके, और काम करो बोलेगा तो कैसे लगेगा आपको, आप काम करते हुए कांपते रहोगे, खड़ा है खड़ा खड़ा हो। हम तो सीनियर सुपरविजन जो स्पेशल सुपरवाइजरी टीम है आरबीआई के, वो हमेशा खड़े रहते थे। देखिएगा आप बैंक में भी, है ना, अभी रिलैक्स होके कभी काम नहीं किया, कभी ये करो केवाईसी कंप्लायंस, ये कंप्लेंट तुरंत तुरंत सब देख रहे हैं आपकी एक्टिविटी को। समझ लो एक ऑडिटर बिठा दिया आपके सामने, आपकी हर एक्टिविटी को वॉच कर रहा है, तो कैसे काम हो पाएगा। तो ये सुपरवाइजरी रिव्यू के तहत जो है आपका जो एक्शन था, आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा पीसीए फ्रेमवर्क का। और इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है अगर बैंक के ट्रेंड भी देख ले फिगर के आधार पर कि ये जो है इनसे बाहर आ रहा है और आगे क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू कर रहा है, तो आरबीआई के डिस्कसी जो एक्शन है, उनके जो बोर्ड जो है ना, उसके फाइनेंशियल जो बोर्ड है, वो उनका रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद वो इनको पीसीए से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हुई आज के सेशन में, ये देखिए सेंट्रल बैंक का पैरामीटर, कि अगर इसको परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इन्होंने काफ़ी ग्रोथ किया,
नेट एनपीए भी काफी अच्छा किया। अगर हम इस तरीके से भी अगर देखेंगे, एक सरसरी निगाह से मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, कि अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस वाइज भी देखेंगे, तो अभी आपको दिखा रहा हूँ है ना स्क्रीन पर, तो काफी ग्रोथ जो है सेंट्रल बैंक ने किया है। अभी मैं इस स्क्रीन थोड़ा साझा कर रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, यस। ये है फाइनेंशियल ईयर का जो है बिजनेस पैरामीटर। अगर हम इस पैरामीटर में देखेंगे तो जो ग्रोथ किया हुआ है, ये देखिए, वाह कमाल का ग्रोथ है कि नहीं, ये देखिए है? यस सर, ये 2014-15 को देखिए, अगर ये नेट प्रॉफिट की बात हो रही है ना। नितिन जी कौन से बैंक से है? नितिन संचन जी आप? हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, बड़ौदा यूपी बैंक। बड़ौदा यूपी बैंक। हाँ देखिए, ये अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के नेट प्रॉफिट वाले हिस्से को। देखिए 2015 में कैसे यहाँ पर एकदम लॉस हुआ, 2015-16 में लॉस हो गया जी। तो लॉस हुआ किस लिए लॉस हुआ होगा? एनपीए बढ़ा होगा है ना जी, जी, तो जी, जब लॉस हुआ तो क्या हुआ? कैपिटल कम हो गया होगा, क्योंकि प्रोविजन करना है, तो कैपिटल कम हो गया, मतलब एक तो इंडिकेटर खत्म हो गया। संतोष जी? यस सर, यस सर, है ना। यहाँ पर देखिए एनपीए बढ़ गया होगा, तभी ये प्रॉफिट कम हो गया, तो वहां पर प्रोविजन चला गया, तो एनपीए का इंडिकेटर गया। फिर जब यहाँ पर एनपीए हुआ तो प्रोविजन किए, तो कैपिटल कम हो गया होगा, और कैपिटल कम हो गया तो लीवरेज रेशियो ऐसे कम हो जाएगा। तो ये इतना 2015-16 में, 31 मार्च को 16 का ये, और फिर ये 17 में, देखिए 17 में इन्होंने पीसीए लगा दिया। किसने? आरबीआई ने पीसीए लगा दिया। तो 17 का लॉस देखिए 5,000 करोड़ है ना। फिर 18-19 का लॉस देखिए 5,000-6,000 करोड़ मान लें इसको। फिर इन्होंने 19-20 में तगड़ा ग्रोथ किया है ना। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन भी हुए होंगे है ना। तो 19-20 में ये किया, 20-21 में ये ग्रोथ किया, फिर उसके बाद एक जबरदस्त उछाल मारा 21-22 में है ना, जी जान लगा दी। मरता क्या नहीं करता ये। संतोष देखो ये दुबला गया है ना, पहले ये जब यहाँ था ना तो यहाँ 16 में थोड़ा मोटा था, लेकिन अभी थोड़ा दुबला गया काम करते करते, क्योंकि यहाँ से एकदम छलांग लगा नीचे है, ये समंदर के नीचे इतना डूब गया था, धीरे धीरे कितना सांस फूल गया इसके यहाँ जाने में। ठीक है, अभी लेवल से पर देखिए, अब यहाँ पर ये यहाँ ऊपर आया, यहाँ तक प्रॉफिट है लाइन, उसके बाद ऊपर 1,045 करोड़ का टोटल साल का प्रॉफिट। तो ये ग्रोथ दिखता है, तो इसमें देखिए टोटल बिजनेस में भी ग्रोथ 5% का, 5,32,404 करोड़ का बिजनेस है। कासा में देखिए, कासा में 50% कासा है, वाह कमाल करते हो संतोष जी, 50% कासा, 100 रुपए 50% कासा है। और आपका 5,32,404 जो है वो आपका टोटल बिजनेस है। अब इस बिजनेस में आपका जो एडवांसेस है, 1,90,000 करोड़ एडवांसेस है, 1,90,000 करोड़ एडवांसेस है, मतलब इसको 2 लाख का एडवांसेस मांगेंगे तो 3 लाख डिपॉजिट है ना, 3 लाख डिपॉजिट है पब्लिक का। मान लीजिए इसको 5 लाख करोड़ का बिजनेस मानते हैं, तो 2 लाख करोड़ एडवांसेस है, तो 3 लाख करोड़ डिपॉजिट होगा, तो 3/2 करेंगे, मतलब क्रेडिट 2/3 करेंगे, तो कितना पर? 2/3। तो 2/3 मतलब कितने का सीडी रेशियो हुआ? सीडी रेशियो कितने का हुआ? आप सोचो, सीडी रेशियो लगभग 64% का हुआ है ना। यस सर, कितना हुआ? 2/3 है ना, तो 67% का हुआ। तो सीडी रेशियो तो बराबर है, 60% से ऊपर है, मतलब संतोष जी आप सोचिए, जो है 2 लाख करोड़ का लोन है और 3 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, दोनों मिला के 5,32,000 करोड़ का जो है बिजनेस है, 5% का ग्रोथ है, और इसमें अगर एनपीए कंट्रोल कर लिया जाए तभी तो प्रॉफिट होगा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और इसमें देखिए रैम में इंक्रीज किया है, रैम मतलब रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई, तो रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई में ग्रोथ होता है तो इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होता है, क्योंकि जो रिटेल के कस्टमर है वो बार्गेनिंग नहीं करते। ये नितिन जी देखो, ये थोड़ा मोटा भाई है तो ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा पैसे वाले हैं तो बोलेंगे कम करो ब्याज कम करो है, कॉर्पोरेट होंगे, अदानी अंबानी टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन वो एक छोटा कस्टमर है अपना, शेखर है ना,
इसको स्कूटर लेना है सर, दे दो सर, आप कितना भी दे दो, 1% एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन दे दो, अभी मेरे को नवरात्रि में दुर्गा पूजा आ रहा है, कार दे दूंगी सर, 1% दे दो एक्स्ट्रा ले लो भले, लेकिन मेरे को कार दे दो, वो बार्गेनिंग नहीं करता, ठीक है, रिटेल कस्टमर। चलिए अब ग्रॉस एनपीए में देखिए, ग्रॉस एनपीए में भी बैंक ने काफी जो है काम किया है, ग्रॉस एनपीए जो है 14.84% है, ये भी लेकिन ज्यादा है, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बैंक ने क्या किया, इसमें प्रोविजन अच्छा कर दिया और नेट एनपीए 3.97 आया, है ना, प्रोविजन बहुत अच्छा कर दिया, 3.97% आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 5,742 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सर। प्रॉफिट की बात करें अगर, हाँ एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये पूछना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये समझना है। देखिए आपका कमाई, टोटल कमाई कहाँ से आता है, ब्याज से आता है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम लोन देते हो तो, है ना, इंटरेस्ट इनकम से आता है, तो इंटरेस्ट इनकम को यहाँ रख लीजिए एक हाथ में, ये लो 100 रुपए इंटरेस्ट इनकम आ गया, ठीक। दूसरा इनकम क्या आता है नितिन जी, अदर इनकम आता है, जैसे प्रोसेसिंग चार्ज, नॉन इंटरेस्ट इनकम, प्रोसेसिंग चार्ज, कमीशन है, सर्विस है, ये सारा, तो ये 50 रुपए, तो टोटल 150 रुपए हमारा इनकम हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इनकम। और दूसरा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर क्या है, ब्याज देते हैं डिपॉजिट पर, ब्याज देते हैं तो उस पर खर्चा, और दूसरा खर्चा क्या है, सैलरी लेते हो कि नहीं भाई, किपरी में करते हैं, सैलरी, बिजली, पानी, है ना, चाय, बिस्कुट, सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो सब मिला के खर्चा, तो 150 रुपए हमारा क्या हुआ, इनकम हुआ, और 100 रुपए हमारा क्या हुआ, खर्चा हुआ, अपना सैलरी वैलरी खर्चा, तो माइनस कर दिए कितना हो गया, 50 रुपए, 50 रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्या है, 50 रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब वो 50 रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, अब बताओ ये जो नितिन है ना मुस्कुरा रहा है, ये लोन बांटा है, वो लोन एनपी हो गया, तो उसमें प्रोविजन करना पड़ेगा ना, तो वो 50 रुपए में से आप लोग भाई लोग जो लोन बांटे हो वो एनपी हो गया, एनपी हो जाने पर क्या है, उसमें प्रोविजन करना है, तो 50 रुपए जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से 40 रुपए हमको रखना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने रिस्क लिया उधर, तो 40 रुपए बचा कितना, 10 रुपए, अब नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, बताइए, 10 रुपए बचा, है ना, अब वो 10 रुपए में फिर टैक्स पे करो, टैक्स दोगे, है ना, टैक्स, उसके बाद जो बचेगा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ है, ठीक। अब इसको जब अच्छे सवाल कर लिया तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो इनकम होता है ना, नेट इनकम, सॉरी टोटल इनकम आता है, उसको टोटल एक्सपेंडिचर में माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फिर हम उसमें क्या करते हैं, जितना प्रोविजन है वो उसको माइनस करते हैं। देखो प्रोविजन बैंक ने लगभग 90% प्रोविजन किया, 86.69%, बताओ पूरा पैसा, कमाई का पैसा तो प्रोविजन में चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है, पैसा नहीं आने वाला है, डूबने वाला है, तभी तो प्रोविजन में गया। 14% ग्रॉस एनपीए था, आपने प्रोविजन किया तभी तो 4% आया, 10% तो आपने प्रोविजन कर दिया पूरा, ये प्रोविजन कितना ज्यादा किया देखिए। तो अगर मैं आपके वो इनकम की बात जो बता रहा था, अब ये अगर बिजनेस ग्रोथ की बात देखेंगे तो देखिए 5,00,000 करोड़ का बिजनेस मार्च में था, अभी 5,32,000 करोड़ का हो गया, खासा परसेंटेज 49% था, अभी 51% हुआ। टोटल एडवांसेस जो है 1,76,000 करोड़ था, 1,90,000 करोड़। रैम में देखो अच्छा बढ़ोतरी हुआ है, कॉरपोरेट में भी बढ़ोतरी हुआ है ये 10% का, सीडी रेशियो में अच्छा बढ़ोतरी हुआ है, सीडी रेशियो 55.63% है सर। सीडी रेशियो कितना आइडियल माना जाता है, 60%, 50% से तो ऊपर होना चाहिए, ऐसा आइडियल सीडी रेशियो का आइडियल ऐसा कुछ नहीं है, कोई आइडियल सीडी रेशियो नहीं है, सीडी रेशियो तो आइडियल ऐसा कुछ नहीं भाई। आप देखो आपका अगर सीडी रेशियो 40% है, लेकिन आपने बड़ा ठोंक बजा के लोन दिया है सही लोगों को, तो आप तो इनकम पाओगे ना। तो सीडी रेशियो के लिए ऐसा कोई खांचा नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि 60-40 का रेशियो होना चाहिए, 60-40 का रेशियो होना चाहिए, 60% होना चाहिए, मतलब जो सीडी रेशियो जो है 60% हो तो अच्छा रहे, अच्छा माना जाता है, प्रॉफिटेबल माना जाता है। तो ये बात कह रहा था मैं, हाँ अभी आपका जो एक डिटेल एक सेशन में करेंगे तो हम लोग और बता देंगे, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ये वाला हिस्सा, इनकम वाला हिस्सा अगर दिख जाता तो बता देता हूँ
कितना प्रोविजन, आपने तो 90% लगभग तो प्रोविजन किया है ना। ये देखिए ये है ना, अब पूरे साल भर में देखिए आपका इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ, 22,802 करोड़, कितना हुआ 22,802 करोड़, और आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हुआ 13,315 करोड़, मतलब इंटरेस्ट से कमाई हुआ 22,000 और खर्चा हुआ 13,000, मतलब इसमें से कितना का कमाई हुआ, 9,000 करोड़ का कमाई हुआ बस, है ना जी, 9,000 करोड़। तो टोटल इनकम हुआ 25,000, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 20,000, कमाई कितना 5,700 रुपए तो कमाए ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 5,700। इस 5,700 में देखिए 4,100 प्रोविजन कर दिए, 4,100 प्रोविजन कर दिए, तो अब नहाओगे क्या अब है, इसलिए तो दुबला गए हो संतोष जी। देखिए 5,742 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और ये आप 4,000 जो है प्रोविजन कर दिए। क्यों प्रोविजन कर दिए, क्योंकि एनपीए 10 आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ा हुआ है ना। अब ये 545 और कोई एक्सेप्शनल आइटम में प्रोविजन करके रखे हो, कैसे कुछ सैलरी बढ़ेगा, पे रिविजन होगा और कुछ कुछ रखे हो गए, तो ये आप सब माइनस करके टैक्स लाइबिलिटी सब करके आपका 1,045 करोड़ आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो आपको सोचो कितना कहाँ प्रोविजन में चला जाता। अगर मान लीजिए एनपीए नहीं होता तो क्या होता नितिन जी, एनपीए नहीं होता तो ये 5,000 करोड़ होता तो अरे माला माल रे बाबा रे, तो एकदम अपनी ऑफिस सबको बुलाओ रे खाते हैं, है ना। सोचो अगर अच्छा लोन दिए रहते तो ये जो प्रोविजन 4,000 करोड़ का गया है, ये मान लीजिए 1,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ प्रॉफिट होता है, तो कहने का तात्पर्य देखिए लोन किस तरह से करना है, क्या इम्पैक्ट होता है इसका। और दूसरा हमारा फी बेस इनकम, देखो फी बेस इनकम जो होता है जैसे कमीशन है, ब्रोकरेज है, ये बढ़ना चाहिए, तो ये भी बढ़ा है 400 करोड़ से, तो ये फी बेस इनकम जो है ये बढ़ा है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है इसका और डिटेल एक दिन सेशन ले लेंगे सेंट्रल बैंक के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में पूछा जा सकता है। तो आपको सही तरीके से समझ में आया है? यस सर, यस सर। नितिन जी पूरे सेशन में से क्या चीज आपको समझ में आया? नितिन जी जी समझ में आया पीसी क्यों लगाया जाता है सर जी? हाँ नितिन जी बोलिए, पीसी क्यों लगाया जाता है, कौन से पैरामीटर है, की एरिया कौन कौन से हैं, की पॉइंट्स कौन कौन से हैं पीसीए के? डिपॉजिट है सर, और ये तीन पैरामीटर है, कैपिटल पूंजी कैपिटल, दूसरा है नेट एनपीए एसेट क्वालिटी, और तीसरा है लिवरेज रेशियो। ठीक, तीन चीजें देखी जाती, कैपिटल नेट एनपीए और एसेट क्वालिटी, उनके मिनिमम पैरामीटर जो आरबीआई ने डिसाइड किए हैं उसमें भी और कम 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 करके थोड़ा क्राइटेरिया दिया गया है। अगर उसमें किसी भी में फंस जाता है आपका बैंक तो फिर रिस्क थ्रेशोल्ड 1, रिस्क थ्रेशोल्ड 2, 3 में डालता है, और उसके आधार पर उनके प्रावधान किए गए हैं मैंडेटरी एक्शन और डिस्क्रिशनरी एक्शन लेने के लिए। अगर कोई बैंक 31 मार्च 2022 को इन पैरामीटर को अचीव कर लेता है तो बढ़िया रहेगा, है ना। जैसे चीता छोड़े गए जंगल में वैसे आपको भी छोड़ देंगे जंगल में, आप लोन फाइनेंस करो, सब चीज करो, और अगर वो पैरामीटर से अंदर रहे तो चीता को अंदर कर देंगे। जैसे अंदर था ये अपना संतोष आज तो चलो हम आशा करते हैं कि आज खुशी में, भले ही मजाक मजाक में हम लोग पढ़े हैं लेकिन आए होंगे, और ये हमारे भाई है सूरत में है, देखो सूरत से भी स्मार्ट है और खुद से भी स्मार्ट दिखता है। तो अभी हम जाएंगे तो हमारे साथ बढ़िया ये जो है हम वहाँ जाएंगे तो मुलाकात करेंगे गुजरात में, है ना। आइए सर, वेलकम है, जरूर आएंगे। दो बार प्रोग्राम बन चुका है, आए नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे तो आएंगे आपके पास, ठीक है। बिल्कुल, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, इस तरह की छोटी छोटी जैसे सेंट्रल बैंक का एचआर पॉलिसी हो गया, एडिट ऑडिट पॉलिसी हो गया, मीडिया पॉलिसी हो गया, वैल्यूएशन पॉलिसी, ये सब थोड़ा थोड़ा आते रहेगा तो अच्छा रहेगा सर। आएगा, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए सर, मैं बहुत घबराया हूँ। हाँ तो सब चीज मिलेगा, आप धीरे धीरे सीखते रहिए, ठीक है। चलिए तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, कल हम लोग जेआईबी की क्लास करेंगे
और कुछ कंपनी एक्ट्स पढ़ेंगे, कंपनी के अकाउंट्स में क्या क्या चीजें देखने जाती है, फिर स्टेज बाय स्टेज बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग जो है खुद भी पढ़ते रहिए और लॉगिन सेक्शन में जाके उसका इस्तेमाल करिए, और एक एक साथी रिकमेंड करते हुए थोड़ा जनसंख्या बढ़ाइए ना। जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती है तो यहाँ भी स्क्रीन की जनसंख्या बढ़नी चाहिए ना नितिन जी, सर ये बढ़ाइए। एक चीज बताना थी सर, इस साल नवंबर में जो जेबी हो रहा है उसमें मैं एनरोलमेंट करने के लिए चाहता था लेकिन सीट अवेलेबल नहीं थी, ये कि दोबारा अवेलेबल होता है क्या सर? नहीं दोबारा नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ साइट ओपन रहता है तभी तक है, अवेलेबल है, फिर उसके बाद नहीं तो नेक्स्ट। क्योंकि अभी क्या है कि सब लोग जागरूक हो गए ना, सब पहले से ही कर लेते हैं सब, है ना। दोबारा नहीं होगा, आप कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो अगला में कर लीजिएगा, हम पढ़ा देंगे ना, क्यों चिंता करते, बस साथ रहिए। भाई कभी भी कोई चीज रास्ता बंद नहीं होता, वो बोल रहे हैं ना 5 पेपर होगा, 4 पेपर होगा, सब चीज होगा, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आशा करता हूँ कि इस छोटे की वीडियो से माध्यम से आप सीख पाए होंगे, और कल मुलाकात करेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।